हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना त्रिवेदी हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री की। और आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, अल्कोहल वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12। अल्कोहल में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को पढ़ते हैं। उसमें स्पेशली ये जो टॉपिक है, ये आइडेंटिफाई करना है, हमें डिटरमाइन करना है, उसका डिस्टिंक्शन करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है तो कैसा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें 1 R ग्रुप है एंड 1 OH ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल इट मीन्स जिसमें 2 R ग्रुप्स हैं एंड 1 OH ग्रुप है, 3 डिग्री अल्कोहल इट मीन्स जिसमें 3 R ग्रुप्स हैं और 1 OH ग्रुप है। वो तो आपने पूरा डिटेल कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वापस कि ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है जो हमें अल्कोहल के बारे में बता रहा है कैसे करना है, तो इसका पर्पस क्या है। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि विक्टर मेयर टेस्ट या विक्टर मेयर जो मेथड है वो यूज़ क्यों की जा रही है या उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस है डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स, तीनों अल्कोहल में विभेद करना है कि कौन सा अल्कोहल है। तीनों अल्कोहल हमारे सामने हैं लेकिन हमें पता करना है कि ये सेकेंडरी है, फर्स्ट है एंड टर्सरी है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका पर्पस। एंड सेकेंड उसके हमारे सामने एक है कि रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे इसमें। तो रिएजेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 4 रिएजेंट यूज़ होते हैं। उसमें जो फर्स्ट रिएजेंट है वो होता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसको हम यहाँ पर P और I2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर PI2, P इज फॉस्फोरस एंड आयोडीन, यदि दोनों की रिएक्शन करते हैं तो भी हाइड्रोजन आयोडाइड ही बनता है। इसलिए कन्फ्यूजन में मत आना, बहुत सारी बुक्स में PI2 लिखा है, कहीं HI लिखा हुआ है तो बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों भी लिखोगे तो भी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड हमारे सामने है AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। थर्ड हमारे सामने रिएजेंट है HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस एसिड। उसके साथ लास्ट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो होता है एक कोई सा भी बेस, या तो KOH भी ले सकते हैं पर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कलर देने वाला टेस्ट है, इसको कलरिनेशन कहेंगे। इसको डालने से हम लास्ट में डिफाइन कर पाते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो रेड, ब्लड जैसा रेड कलर आएगा, 2 डिग्री होगा तो ब्लू कलर, और यदि 3 डिग्री होगा तो उसमें कोई कलर या कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो हम अब एक एक रिएक्शन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आप लोग हमारे साथ देखते जाएंगे। बहुत ईजी रिएक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों को थोड़ी टफ लगती है, हम उसको बहुत ईजी वे में करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रिएक्शन इज प्राइमरी अल्कोहल पे करने वाले हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, या तो आप R से भी कर सकते हैं या कोई फार्मूला, तो हम फार्मूले से करें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका बच्चों, इथाइल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हमें फर्स्ट रिएजेंट के साथ करनी है, इट मीन्स HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चे यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर हम OH ग्रुप यूज़ करेंगे और यहाँ से आए मतलब हाइड्रोजन किस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, किस फॉर्म में लिबरेट हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, और हमारे पास अब OH रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह क्या आ गया है, आयोडीन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3CH2 and I, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आयोडीन या आयोडो इथेन, जो आपको लगे वो लिख सकते हो, इथेन। ओके, अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। फॉर्मूला इज AgNO2, सिंपली यहाँ से क्या लिबरेट कर देंगे हम, IAg, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, सिंपल CH3CH2NO2, नाइट्रो इथेन, क्या नाम हो गया इसका। अगर नाम नहीं लिख पाते हो, भूल जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट प्रोडक्ट हमें बता देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो
इथेन. ओके, अब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं? इसकी रिएक्शन हम लास्ट, ये जो रिएजेंट लास्ट नहीं थर्ड रिएजेंट जो है नाइट्रस एसिड HNO2, इसको हम किस फॉर्म में ब्रेक कर ले? HONO के फॉर्म में. तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है HONO के फॉर्म में, इसको हमने ब्रेक कर दिया है. ओके, अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे. तो आपको दिख रहा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन लिब्रेट यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ से ऑक्सीजन लिब्रेट हो जाएगा. ओके, किस फॉर्म में? -H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिब्रेट हो गया. अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा है? लिखेंगे CH3CH2. ओके, CH2 H तो लिब्रेट हो चुका है ना, तो CH3C. ओके, उसके बाद सिंगल बॉन्ड NO2, डबल बॉन्ड. अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? NHO. तो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH. ओके, ये हमारे सामने यहाँ पर क्लियर हो गया है, नाइट्रोलिक एसिड इसका नाम है. उसके बाद में हम लास्ट किसकी रिएक्शन करने वाले हैं? लास्ट रिएजेंट इज बेस. तो यहाँ पर हम ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है इसके अंदर हमको क्या डालना है? यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? बेस NaOH. ओके स्टूडेंट, जैसे ही हम नाइट्रोलिक एसिड के अंदर NaOH डालते हैं तो कलर इमिजिएटली चेंज हो जाता है. किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? आपको पता है ब्लड रेड. यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है? ब्लड रेड कलर. ठीक है, तो जैसे ही ब्लड रेड कलर आता है हमें पता चल जाता है यहाँ पर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल. ओके स्टूडेंट, इजी रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत सिंपली रिएक्शन है. यदि आपको फर्स्ट रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गई है तो आप सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को बहुत इजीली कर सकते हो. ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि दोनों रिएक्शन हम फास्ट कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगी. फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यूज़ किया है, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की. यहाँ से हमने OH और यहाँ से हाइड्रोजन लिब्रेट किया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. देन उसके बाद में इथाइल आयोडोइथेन या इथाइल आयोडाइड, हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसकी रिएक्शन की है. यहाँ से AgI लिब्रेट हो गया, सिल्वर आयोडाइड. यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना है? नाइट्रोइथेन. ठीक है, नाइट्रोइथेन, इसकी रिएक्शन यहाँ से हम क्या लिब्रेट करने वाले हैं? दोनों हाइड्रोजन यहाँ से, और उसके बाद में ये क्या बन गया हमारा? नाइट्रोलिक एसिड. ओके, HONO के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन लिब्रेट हो गए और यहाँ से ऑक्सीजन. ओके, क्या बना? नाइट्रोलिक एसिड. अब इसमें जैसे ही हमने NaOH बेस डाला तो कौन सा कलर आया है? ब्लड रेड कलर. इट मीन्स हमें पता चल गया कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट. ओके, क्लियर आ गया समझ में. अब हम यही रिएक्शन करने वाले हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, और आप लोग इसको बहुत फास्टली कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा फार्मूला यूज़ कर लें. या तो चाहें तो हम दोनों R ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसमें सिंपल CH3 यूज़ करके भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं CH3 CH3 COH H, आइसोप्रोपिल अल्कोहल. ओके, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. इसकी रिएक्शन वापस हम किसके साथ करेंगे? HI के साथ. क्या लिब्रेट हो गया? सिंगल बॉन्ड H, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. यहाँ से हमने OH और यहाँ से H को लिब्रेट किया. ओके, क्लियर. प्रोडक्ट क्या बना हमारा यहाँ पर? CH3 CH3 COH. अब यहाँ से OH लिब्रेट हो गया है, OH लिब्रेट हो गया है, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा उसकी जगह? आयोडीन और यहाँ पर OH. ओके स्टूडेंट, क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपिल, यहाँ पर हाइड्रोजन. ओके, उसके बाद में हम सेकंड रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं AgNO2.
NO2 इज सिल्वर नाइट्राइट। सिंपल ही यहाँ से भी आप लिब्रेट कर देंगे, क्या लिब्रेट हो गया AgI। ओके अब इसकी जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर NO2, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बना CH3 C सिंगल बॉन्ड, क्या रखेंगे I की जगह NO2। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ईजी भी है, फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर हम रख देंगे। ओके अब उसके बाद में हम इसके किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, HONO के साथ। ओके अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, HONO क्या लिब्रेट करेंगे बता सकते हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल है, अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH, तो माइनस H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, CH3 C, ओके NO2 एक बॉन्ड से। अब यहाँ पर एक बॉन्ड और है कार्बन के पास, उससे हम किसको अटैच करने वाले हैं, NO, तो किस फॉर्म में कर देंगे यहाँ पर, N डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस ही 3, ऑक्सीजन की 2, सबकी बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, है ना, इस यूडो, उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, वापस यहाँ पर लास्ट रिएक्शन बेस की रिएक्शन करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, बेस। जैसे ही हम यहाँ पर बेस डाल रहे हैं NaOH, ओके जैसे हम इसमें NaOH डालेंगे कलर सडनली चेंज होगा, तो यहाँ पर कलर कौन सा आ जाता है, ब्लू। कौन सा कलर आया, ब्लू, हमें पता चल जाता है यहाँ पर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस चारों रिएजेंट यदि हम इजीली याद कर लेते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में अब हम करेंगे लास्ट, कौन सा, थर्ड डिग्री अल्कोहल। थर्ड डिग्री अल्कोहल में भी हम ये चारों रिएजेंट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ब्यूटिल अल्कोहल। ओके तो यहाँ पर हम थर्ड डिग्री अल्कोहल के लिए ले रहे हैं, फॉर्मूला हमने यूज़ किया CH3 C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। सिंपल ये है, थर्ड डिग्री अल्कोहल इट मीन्स जिसमें 3 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है बेटा याद करने का, और एक OH ग्रुप होता है, तो वो थर्ड डिग्री अल्कोहल। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल मतलब 1 OH, 2 डिग्री अल्कोहल इट मीन्स 2 अल्कोहल्स ग्रुप मतलब OH ग्रुप, और 3 डिग्री अल्कोहल इट मीन्स क्या समझते हैं वो कि 3 OH ग्रुप जोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है बच्चे, 3 R ग्रुप इससे अटैच्ड होते हैं, किससे, मैन कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, और एक OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप, है ना, हाइड्रो। इसकी रिएक्शन हम करने वाले हैं HI के साथ। आप बता सकते हैं क्या लिब्रेट होगा यहाँ से, सिंपल दिख ही रहा है यहाँ से, OH के साथ सबसे पहले अटैक किस पर हुआ, अल्कोहलिक ग्रुप पर, और यहाँ से क्या लिब्रेट हो गया हमारा, माइनस मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब आगे प्रोडक्ट क्या बना है, I की जगह हम क्या रिएक्शन करेंगे, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं CH3 CH3 C, यहाँ पर आयोडीन ऐड हो गया, ओके सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है CH3। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सारी चीज़ें हमें सामने दिखती जा रही हैं, सिल्वर NO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या लिब्रेट हो गया बच्चे यहाँ से, AgI माइनस AgI। आप चाहे ना बच्चे तो इस रिएक्शन को 1 by 1 भी लिख सकते हैं, बट हम ऐसे लिखते हैं तो टाइम एनर्जी सब कुछ कम लगता है, नहीं तो एक के बाद हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिएक्शन, हमारा प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, CH3 CH3 C, आयोडीन की जगह क्या ऐड हो जाएगा, NO2, ओके एंड यहाँ पर भी क्या है, CH3, ओके अब हमारा जो अगला रिएजेंट है वो कौन सा है बच्चे, नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HONO। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आ रहा है नो रिएक्शन, ठीक है,
नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? सिंपल रीज़न है बच्चे, क्योंकि जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब नहीं है तो किसके साथ रिएक्शन करे, क्योंकि अटैक कहाँ पर होना था? अल्फ़ा कार्बन पर, ताकि अल्फ़ा हाइड्रोजन लिब्रेट होते, पर वहाँ पर है ही नहीं। तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। यदि हम इसी के अंदर, नाइट्रोब्यूटेन के अंदर ही हम क्या डाल दें? बेस डालते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन इसी के आगे करते हैं। बेस, कौन सा बेस यूज़ कर रहे हैं बच्चे? NaOH। जैसे हम इसमें बेस डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट, कोई कलर आ रहा है? कोई भी कलर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हो गया कलरलेस। क्या हो गया यहाँ पर? कलरलेस कंडीशन, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चे ये थी हमारी विक्टर मेयर टेस्ट या विक्टर मेयर मेथड, जिसके द्वारा हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का। और रिएजेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड एंड बेस में NaOH यूज़ कर रहे हैं। चारों रिएजेंट्स को यूज़ करके हम विक्टर मेयर टेस्ट को यहाँ पर करते, जिससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंक्शन पता चलता है, मतलब उसका विभेद कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है, कोई मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यदि होती है तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, ताकि आपको इजीली, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से आया भी नहीं है, तो आई थिंक ये आ सकता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करके देख लें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके हमसे बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।